हेलो एवरीवन टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर द नेम ऑफ दिस टॉपिक इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच और नरेशन के नाम से भी जानते हैं एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ऑल क्लासेज

Told Khushi that she did not like wasting her time in gossiping. Jigyasu said to Aman, How is your new car? Jigyasu asked Aman how his new car was. Pooja said to Lalita, Do you live here? Pooja asked Lalita if she lived there. The mother said to Tarun, Please bring me a glass of water. The mother requested Tarun to bring her a glass of water. He said, Bravo, you have done well. He exclaimed with praise that I had done well. He said, May God bless you. He prayed that God might bless me. वेल वी हैव रेड ऑल द सेंटेंसेस हमने सभी सेंटेंस रीड कर लिए हैं लेकिन कुछ बच्चे अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे खास तौर पर वो बच्चे जिनके लिए ये टॉपिक बिल्कुल न्यू है उन्हें लग रहा होगा कि हर सेंटेंस में बीच में ये इन्वर्टिड कॉमास कहाँ से आ गए बच्चों मैथ तो में बता दूँ कि यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास के बाद वाला जो पार्ट है वो आपका डायरेक्ट स्पीच कहलाता है सिक्स सेवन्थ और एट्थ क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं जहाँ पर कम्युनिकेटिव इंग्लिश नहीं है वहाँ पर इसी तरह से स्ट्रेट क्वेश्चन क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं लेकिन नाइन्थ और टेंथ क्लास के बच्चों की क्वेश्चंस डायलॉग फॉर्म में आएंगे कुछ इस तरह से जैसा कि बॉक्स में दिया गया है इन बोथ द कंडीशन यू नीड टू अंडरस्टैंड बेसिक रूल्स आपको बेसिक रूल्स आना बहुत जरूरी है अगर आपको एक बार सभी बेसिक रूल्स समझ में आ गए तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत इजी हो जाएगा और मार्क्स स्कोर करना भी उतना ही आसान हो जाएगा आप सोचो कि बेसिक रूल्स को लर्न करने का कोई शॉर्टकट है तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये चीज़ आपको बार बार प्रैक्टिस करने से ही आएगी नाउ यू जस्ट सी ऑल द सेंटेंसेस आर इन टू पार्ट्स दिस फर्स्ट पार्ट इज नोन एज रिपोर्टिंग वर्ब एंड दिस सेकेंड पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दिया गया है इसे हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब की बात करूंगी तो आपको समझ जाना है कि मैं फर्स्ट पार्ट की बात कर रही हूं और जहां पर मैं रिपोर्टेड स्पीच की बात करूंगी वो सेकंड पार्ट है आप डेली अपने घर में सुबह से लेकर शाम तक डायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल करते हो इस बात को जाने बिना कि आप डायरेक्ट स्पीच बोल रहे हो जैसे आपने अपनी मम्मी को बोला कि आपने नाश्ते में क्या बनाया है वट हैव यू प्रिपेयर फॉर ब्रेकफास्ट आप अपने ब्रदर को बोल सकते हो आप कहाँ जा रहे हो वेर आर यू गोइंग या आप अपने फ्रेंड को बता सकते हो कि आज मैं अपना असाइनमेंट पूरा कर लूँगी आई विल कम्प्लीट माई असाइनमेंट टूडे या फिर टीचर एक स्टूडेंट को भी बोल सकती है डोंट मेक नॉइज कीप क्वाइट शोर मत करो शांत रहो तो ये जितने भी डायलॉग मैंने यहाँ पर बोले हैं ये डायरेक्टली एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बोले गए हैं दैट इज़ वाई वी कॉल देम डायरेक्ट स्पीच

इसका मतलब है कि हम स्पीकर ने जो भी बात बोली है उसके एक्चुअल वर्ड्स का यूज़ ना करके हम उसे किसी और तरीके से उस बात को कहते हैं और यहाँ पर मीनिंग भी क्लियर हो जाता है इसे हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं द बॉय सेट टू द गर्ल वेयर आर यू गोइंग अब यहाँ पर एक गर्ल और बॉय की डायरेक्ट बात चल रही है और बॉय ने गर्ल को बोला कि तुम कहाँ जा रही हो जब इसी बात को हमने इनडायरेक्ट स्पीच में बोलना होगा तो हम इसे बोलेंगे द बॉय आस् द गर्ल वेयर शी वॉज गोइंग कि लड़के ने लड़की से पूछा था कि वो कहाँ जा रही थी इसका मतलब ये इन दोनों के बीच में जो बात हुई उसे किसी थर्ड पर्सन ने सुना और फिर उसने किसी और को जाकर इस बात को बता दिया कि लड़का लड़की को कह रहा था कि वह कहाँ जा रही थी सो दिस इज़ वाट वी कॉल इनडायरेक्ट स्पीच और ये कभी भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं आता है असर्टिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले पार्ट पर ध्यान देंगे आई हैव बॉट अ न्यू लैपटॉप इसको देखते ही आपको समझ में आ जाएगा ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है इसका मतलब ये असर्टिव सेंटेंस है तो आपको क्या करना है असर्टिव सेंटेंस दिमाग में आते ही पॉजिटिव स्टेटमेंट दिमाग में आते ही आपको ये जो सेट टू है इसे हमें जैसी भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है अगर यहाँ पर बात को बताया गया है तो टोल लगा देंगे अगर किसी के क्वेश्चन का जवाब दिया गया है तो रिप्लाइड या आंसर लगा देंगे अगर किसी की बात पर कोई रिमार्क किया गया है तो रिमार्क लगा देंगे तो जनरली सेट टू को हम टोल्ड में चेंज करते हैं क्योंकि ज़्यादातर बातों को बताया जाता है अगर खाली सेड वर्ड दिया है जैसे कि नीचे वाले सेंटेंस में देखो कविता सेड अगर यहाँ खाली सेड लिखा है सेड टू नहीं है तो एसर्टिव सेंटेंस के केस में हमें सेड का सेड ही रखना है अपने आंसर में भी उसे हम टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे सेकेंड पार्ट हमारा है इन्वर्टेड कॉमास को हटाना तो हम एक एक स्टेप बढ़ रहे हैं आगे सबसे पहले हमने सेट टू को देखा कि क्या करना है फिर नेक्स्ट पार्ट हमारा है इन्वर्टेड कॉमास का पार्ट तो इसको रिमूव करके जब भी कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी वहाँ पर हम दैट लगाएंगे इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो ये प्रोनाउन pronoun है प्रोनाउंस आर द वर्ड्स यूज्ड एट द प्लेस ऑफ अ नाउन अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं आई वी यू ही शी इट दे ये सभी हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं जो प्रोनाउन क्वेश्चन में यूज़ हुआ है वो प्रोनाउन आंसर में यूज नहीं होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो प्रोनाउन्स में क्या चेंजेस होते हैं अब ये जो हैव है इसका हैड बन गया इसका मतलब टेंस में भी चेंज हो गया तो इस तरह से प्रोनाउन में क्या चेंज होगा टेंस में क्या चेंज होगा या आगे चल कर एक एडवर्ब भी आती है जैसे कि नीचे वाली सेंटेंस में देखो टू नाइट मैंने यहाँ टू नाइट का दैट नाइट कर दिया तो इसमें क्या चेंज होगा ये सभी चेंजेस हम डिटेल में आगे बढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि हम पॉजिटिव स्टेटमेंट को सेट टू जब भी गिवन होगा तो उसे टोल में बदल देंगे इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर वहाँ दैट लगा देंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के टॉपिक को समझने के लिए सेंटेंसेस की पहचान होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको सेंटेंसेस के बारे में नहीं पता देन डोंट वरी क्योंकि इस वीडियो में हम सभी सेंटेंस को डिस्कस करेंगे और हम पता लगाएंगे कि कैसे एक सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया जा सकता है तो हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है उसे हम डेक्लेटिव या असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं अगर आपको इनके नाम याद नहीं रहते हैं तो कोई बात नहीं आपको इनकी पहचान होना बहुत ज़रूरी है डेक्लेटिव एसर्टिव सेंटेंस का मतलब है कि हम किसी बात को डिक्लेयर कर रहे होते हैं या फिर हम उस बात को कह रहे होते हैं तो हम अपनी बात को या तो पॉजिटिव तरीके से बोलते हैं या फिर नेगेटिव तरीके से बोलते हैं और यह चीज़ हमें सेंटेंस को देखते ही समझ में आ जाएगी कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है आई सेड आई वॉन्ट न्यू बाइक ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है क्योंकि इसमें नोट का यूज नहीं हुआ है आई सेड रश्मि इज नॉट डूइंग हर होमवर्क ऑन टाइम यहाँ पर नॉट डूइंग का यूज हुआ है तो यह देखने से पता लगता है कि ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है इसका मतलब है कि ये फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है ये असर्टिव का पॉजिटिव स्टेटमेंट है और जो सेकंड सेंटेंस है वो एसर्टिव का नेगेटिव स्टेटमेंट है नाउ लेट्स सी हाउ प्रोनाउंस आर चेंज्ड जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो किस तरह से प्रोनाउंस भी चेंज हो जाते हैं वो हमें देखना है तो इसके लिए बहुत ही छोटी सी और बड़ी आसान ट्रिक है जिसे हम सन कहते हैं एस ओ एन और मैंने इनके नीचे नंबर्स डाल दिए हैं वन टू थ्री तो एस का मतलब है यहाँ पर सब्जेक्ट और वन का मतलब है फर्स्ट पर्सन ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट और टू का मतलब है सेकेंड पर्सन एन का मतलब है नो no चेंज और थ्री का मतलब है थर्ड पर्सन तो पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन से होते हैं सेकंड पर्सन के प्रोनाउन कौन से होते हैं और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कौन से होते हैं तो जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं उसमें हम आई और वी की फैमिली को लेते हैं अब आई की फैमिली ये है माई मी माइन माई, माई सेल्फ और वी की फैमिली से बनता है वी आवर अस आवर सेल्फ सेकेंड पर्सन की जब हम बात करेंगे तो सेकेंड पर्सन हम सामने वाले को यानी कि दूसरे इंसान को मानते हैं जबकि फर्स्ट पर्सन हर इंसान अपने आप को पहला इंसान मानता है तो हम आई और वी की जब भी बात करेंगे तो वो फर्स्ट पर्सन होगा यू की बात करेंगे तो वो सामने वाला होगा और जब हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो वो थर्ड पर्सन यानी कि ही शी इट दे इस तरह के पर्सन होंगे तब हम उनकी बात करेंगे इसी तरीके से हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन चेंज नहीं होंगे तो इसका मतलब हम सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं ही सेट टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड अब हमें चेंजेस कहाँ पर करने हैं हमें चेंजेस जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वाले प्रोनाउंस हैं उनको चेंज करना है लेकिन किसके अकॉर्डिंग हमें इस आगे वाले पार्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा रिपोर्टिंग वर्क पार्ट है इसमें ही हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दिए होते हैं जो आगे वाली पोजीशन पर आता है जो फर्स्ट स्पीकर होता है उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट और जो पीछे की पोजीशन पर आता है उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कई बार ऐसे होता है कि आपको पीछे ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है जैसे ही सेट करके दे दिया तो उस कंडीशन में आप हमेशा मी को यूज़ करोगे अपने आप को ही मान के चलोगे अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो उस पोजीशन में आप मी का इस्तेमाल कर सकते हो अब यहाँ पर ये देखो ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन मैंने आपको बताया यू होता है और यहाँ पर भी आप देख सकते हो सेकंड पर्सन यू होता है तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग ओ ओ मतलब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर ये जो यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हमारा ऑब्जेक्ट है इस वाले पार्ट में मी तो ये मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा और जब आप मी की पोजीशन को आगे लेकर आओगे सब्जेक्ट पोजीशन पे रखोगे तो मी का आई बन जाएगा अब यहाँ पर आप मी का मी तो नहीं लिख सकते क्योंकि वो तो ऑब्जेक्ट पोजीशन पर है अब जब इसे आप आगे लेकर आओगे तो सब्जेक्ट में आने के बाद में मी जो है वो आई बन जाएगा यहाँ पर क्योंकि वो सब्जेक्ट पोजीशन में आ गया है इसलिए हम यहाँ पर आई का यूज़ करेंगे और इसी तरीके से जब हम बात करते हैं माय फ्रेंड अब ये जो माय है ये कौन सी फैमिली का पार्ट है माई है यहाँ पर फर्स्ट पर्सन और मैंने फर्स्ट पर्सन आपको बताया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर माई है ही के अकॉर्डिंग क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा ही है अब जब मैं यहाँ पर इसको पीछे की साइड लेकर आऊंगी तो मैं यहाँ पर इसको ही का ही नहीं लिख सकती अब मुझे बॉय के केस में बात करनी है तो ही का बन जाएगा हिज उस कंडीशन में क्योंकि मैंने इसको हिज किसके अकॉर्डिंग बनाया है फर्स्ट जो हमारा स्पीकर है यानी कि जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको यहाँ पर हिज में चेंज किया है तो इस तरह से हम प्रोनाउंस को चेंज करते हैं जो भी हमारा फर्स्ट पर्सन होगा वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा सेकेंड पर्सन हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा और अगर यहाँ पर ही शी दे इनमें से कुछ लिखा होता तो हमें उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी वो वैसा का वैसा ही हमारे इनडायरेक्ट स्पीच में यूज़ हो जाता वेल well, हमने देखा कि प्रोनाउंस कैसे चेंज किए जाते हैं लेकिन प्रोनाउंस में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपको ऑटोमेटिकली वो याद होते जाएंगे इसके बाद है चेंजेस इन टेंस टेंस को कैसे बदलना है सबसे पहले वर्क की फर्स्ट फॉर्म को हम सेकेंड फॉर्म में चेंज कर देंगे बहुत आसान है जितना भी हमारा प्रेजेंट पोर्शन है हमें उसको पास्ट में कन्वर्ट करना है डू नॉट और डज नॉट बन जाएंगे डिड नॉट डू और डज जब भी कभी क्वेश्चन में आएंगे तो हम डू do डस को हटा देंगे और उसके जगह पे जो भी वर्ब गिवन होगी डू डस के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो हम उसका सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे आंसर लिखते वक्त इज एम आर वॉज वर्क में चेंज हो जाते हैं हैज हैव हैड में चेंज हो जाता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म अगर आपको प्लेट दी है या कोई भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी है तो उसे हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे जब भी कभी इस तरह से वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि ई करके जो भी वर्ब आती है तो वो बच्चे सोचते हैं कि ये थर्ड फॉर्म है तो वो थर्ड फॉर्म नहीं रहती है वो आपकी हमेशा यहाँ पर सेकंड फॉर्म रहेगी और उसे ही आपको हेड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करना होता है इसके बाद डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि आपका क्वेश्चन अगर डिड से शुरू होता है तो उस कंडीशन में भी हमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगाना है वोस वर अगर हमारे क्वेश्चन पार्ट में दिए हैं तो उसे हम चेंज करके हेडबिन में बदल देंगे इसके अलावा विल शेल अगर दिया हुआ है तो हम उसे वुड में चेंज कर सकते हैं विल को वुड में शेल को शुड में या फिर हम विल शेल को दोनों को ही हम वुड में भी चेंज कर सकते हैं कैन चेंज हो जाएगा कुड में मे बन जाएगा माइट मस्ट हो जाएगा हेड टू में ऑट टू का ऑट टू ही रहता है और कम हमारा गो में बदल जाता है जब हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है नाउ लेट सी सम मोर इंटरेस्टिंग चेंजेस चेंजेस इन एडवर्ब ये बहुत ईजली बच्चों को लर्न हो जाते हैं नाव को हम चेंज करेंगे देन में जब भी हमारे क्वेश्चन में आएगा हेयर बन जाएगा देअर दिस दैट दीज दोज एगो बिफोर में चेंज हो जाएगा दस सो टुडे दैट डे में चेंज होगा टू नाइट दैट नाइट बन जाएगा यास्टरडे द प्रीवियस डे या द डे बिफोर टमोरो द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे इन दोनों में से कोई भी एक यूज़ करना है द लास्ट वीक द प्रीवियस वीक और द वीक बिफोर द नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक और द वीक आफ्टर अब देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी होता है क्योंकि उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया होता है अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं आपके दो तरह से शुरू होते हैं या तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे या फिर वो डब्ल्यू एच फैमिली के किसी भी वर्ड से शुरू होंगे अगर हम हेल्पिंग वर्ब्स की बात करते हैं तो आपको क्वेश्चन के बिगिनिंग में ही डू डज डिड इज एम आर वॉज वर्ज हैड विल शेल यानी कि लास्ट में जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं इनसे आपको क्वेश्चन जो है वो शुरू होते हुए दिखेंगे या फिर आपको डब्ल्यूएच फैमिली से क्वेश्चन शुरू होता हुआ दिखेगा जैसे व्हाट वेयर व्हेन वाई, हु हुज हुम विच, हाउ इस तरह से आपको बहुत इजीली पता लग जाता है कि आपका क्वेश्चन वाला सेंटेंस है एग्जांपल के लिए रवि सेड टू सुरेखा डू यू हैव अ डिटेक्टिव स्टोरी बुक क्योंकि यहाँ क्वेश्चन किससे शुरू हो रहा है डू से हो रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है तो सबसे पहला काम तो आपको सिर्फ क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिमी सेट टू आलिया व्हाट्स योर नेम अब यहाँ पे क्वेश्चन शुरू हो रहा है व्हाट से यानी कि डब्ल्यू फैमिली से तो हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करना है तो सबसे पहला काम तो मैं हमेशा यही कहती हूँ आइडेंटिफाई द सेंटेंस सेंटेंस की एक बार पहचान हो गई तो आप इजीली सारे रूल्स को भी लर्न कर सकते हो आपको पता लग रहा है क्योंकि ये डब्ल्यू एच फैमिली से शुरू हो रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो इसका मतलब ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसमें कोई किसी से कुछ पूछ रहा है वेयर आर यू गोइंग और जब भी हम किसी से कुछ पूछते हैं तो उसके लिए हम सेड या सेड टू को दोनों को ही हम आस्ट और इंक्वायर्ड में बदल सकते हैं इनमें से आपको कोई भी एक वर्ड चूज़ करना है जैसा कि मैंने यहाँ पर सेट टू को चेंज किया नीचे आस्ट में तो हम इस तरह से इसको कर सकते हैं उसके अलावा आपको यहाँ पर एक काम और करना है कि आपको हमेशा सब्जेक्ट की पोजीशन आगे रखनी है और उसके बाद आपको टेंस पार्ट लेकर जाना है जैसे यहाँ पर है वेयर आर यू गोइंग तो जब हम बात कर रहे हैं आर यू गोइंग तो ये यू की जो पोजीशन है ये हमेशा आगे आ जाएगी और जो भी आपका टेंस होगा जैसे यहाँ पर आर है इज एम आर वाला टेंस है ये तो ये पोजिशन आपकी पीछे चली जाएगी आपको इनको इंटरचेंज करना है सब्जेक्ट को और यहाँ पर टेंस पार्ट को आपको चेंज करना है सब्जेक्ट को हमेशा आगे लेकर जाओगे और टेंस आपका पीछे चला जाएगा तीसरे नंबर पर आपको क्या करना है जब आप अपने आंसर को लिखोगे तो लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगाना है आपको वहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं डालना है क्योंकि अब ये क्वेश्चन नहीं रहा है इसके बाद अगर हमारा क्वेश्चन डब्ल्यू एच से शुरू हो रहा है तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास को, को हटाकर कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है हमारा डब्ल्यू एच फैमिली का जो वर्ड है वो सफिशेंट है उसको हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे लेकिन हमारा क्वेश्चन अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है जैसे विल जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब है इसी तरह से हैव भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है और लास्ट में डू भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे उस इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हम इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं ऐसी कंडीशन में हम क्या लगाते हैं कन्जंक्शन के लिए इफ़ या वेदर का हम यूज़ करते हैं तो ये चीज़ हमें याद रखनी है यहाँ पर मैंने दोबारा से सभी हेल्पिंग वर्ब डाल दिए हैं जब भी क्वेश्चन इनसे आएगा तो हम क्या करेंगे इन्वर्टेड कॉमास हटाकर इफ या फिर वेदर का यूज़ एज अ कंजंक्शन करेंगे इसी के साथ हम यहाँ कह सकते हैं कि जब भी कभी आपके क्वेश्चन में डू do, डज या डिड आता है यानी कि आपका क्वेश्चन जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन को देखो आप ध्यान से आई सेट टू हर डू यू नो हिम यहाँ पर हमारा क्वेश्चन किससे शुरू होता है डू से शुरू होता है तो इस कंडीशन में हम डू को बिल्कुल हटा देंगे अगर डज होता तो डज भी पूरी तरह से हट जाता अगर डिड होता तो डिड भी हट जाता और उस कंडीशन में हमें डू डज को हटाकर जो भी हमारी वर्ब गिवन है यहाँ पर हमारी वर्ब है नो और इस नो को हम सेकेंड फॉर्म में बदल देंगे अगर डू do डस को हटाते हैं तो सेकेंड फॉर्म में बदल देंगे अगर डिड को हटाते हैं तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे वेल हेयर आई हैव गिवन यू सम डायरेक्ट स्पीचेज नाउ लेट सी हाउ टू कन्वर्ट दीज डायरेक्ट स्पीचेज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसे देखते हैं ही सेट टू मी विल यू लिसन टू मी अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसमें कुछ पूछा जा रहा है तो हम क्या करेंगे सेट टू को आस्क में चेंज कर देंगे आस्क टू नहीं करना है बहुत सारे बच्चे ये एरर करते हैं तो हमेशा याद रखो सेट टू पूरा का पूरा आस्ट में ही चेंज होता है उसके बाद नेक्स्ट रुकावट आती है इन्वर्टेड कॉमास की आप याद रखो कि जब भी हमारा क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो उस कंडीशन में इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हम इफ़ या वेदर लगा सकते हैं तो मैंने यहाँ पर इफ लगा दिया उसके बाद हमेशा हमारी पोजिशन चेंज होती है सब्जेक्ट आगे आता है और टेंस पार्ट पीछे जाता है तो यू क्या है यहाँ पर यू हमारा सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है और सेकेंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है तो मी का क्या बन जाएगा सब्जेक्ट प्लेस पर आई हमेशा याद रखो जब भी मी इधर दिया होगा और हमें उसे सब्जेक्ट की पोजिशन पर लाना है तो हम उसको आई में कन्वर्ट कर देंगे विल का हो गया वुड लेसन टू सेम रहेगा और लास्ट में मैंने मी का हिम कर दिया अब मी का हिम कैसे हुआ मी जो है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन मैंने पहले से ही बताया था आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अब सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर ही अब मैं ही को जब पीछे उठाकर लेकर जाऊँगी तो मैं इसे ही का ही तो नहीं कर सकती क्योंकि अब ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन लेने वाला है और ही का जो हमारा ऑब्जेक्ट पोजिशन होता है वो हिम कहलाता है तो इसलिए हमने यहाँ पर मी की जगह हिम लगाया है आई सेट टू हिम वैन विल यू गो देयर तो बहुत आसान है आई आस्ट हिम अब क्योंकि यहाँ पर फिर से इन्वर्टेड कॉमास वाली प्रॉब्लम आई लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारा क्वेश्चन डब्ल्यू एच फैमिली से शुरू हो रहा है तो हम यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास को डायरेक्ट हटा देंगे और यहाँ पर वैन का वैन आ जाएगा इसके लिए हमें इफ़ लगाने की ज़रूरत नहीं है फिर हम यहाँ पर यू को आगे लेकर आएंगे यू का बन गया ही कैसे बन गया क्योंकि यू हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट यहाँ पर हिम है और जब हम ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन पर ला रहे हैं तो हमेशा याद रखो ये वाली पोजीशन सब्जेक्ट की पोजीशन है तो यहाँ पर सब्जेक्ट में लाते वक्त हम उसको हिम से ही कन्वर्ट कर देंगे विल का हो गया वोड गो देयर ही सेट टू मी इन्वर्टेड कॉमर्स बिगिन हाउ इज योर फादर ही आस मी हाउ माई फादर वॉज़ तो अब यहाँ पे हमने क्या किया फिर से पूछा गया है तो हो जाएगा ही आस्ट मी अब हाउ जो है वो डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड है तो हमने बीच में कुछ भी नहीं लगाया हाउ का हाउ आ जाएगा योर फादर अब योर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अब यहाँ पर मी का हमने बना दिया माई क्योंकि यहाँ पर पूरा पॉजिटिव केस आ रहा था योर फादर था तो माई फादर हो जाएगा और इज हो जाएगा वॉज अब अब नाइन्थ और टेंथ क्लास के बच्चे थोड़ा इस पर ध्यान देंगे क्योंकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन भी डायलॉग फॉर्म में ही आता है आपको डायलॉग कंप्लीट करना होता है दो लोगों की बातचीत चल रही है और फिर आपको यहाँ पर इसे सॉल्व करना है राघव अनुज राघव वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम अनुज आई एम कमिंग फ्रॉम द मार्केट राघव वट डिड यू बाय फ्रॉम देर अनुज आई बॉट अ बुक ऑफ स्टोरीज तो अच्छी बात यह कि आपको आगे वाला पोर्शन जिसमें किसी से कुछ पूछा जाता है या बताया जाता है वो चीज़ आपको सोल्व करके देते हैं और आपको सिर्फ जो डायरेक्ट स्पीच वाला पार्ट है उसी को चेंज करना होता है राघव आस्ट अनुज अब हमें पता लग रहा है क्योंकि पहले वाला जो हमारा यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ रहा है उसमें पूछा जा रहा है तो यहाँ पे राघव पूछ रहा है अनुज से वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम तो हमें करना क्या है सिर्फ क्योंकि वेयर है डब्ल्यू एच फैमिली से क्वेश्चन बिगिन हो रहा है तो वेयर का वेयर आएगा बीच में हम कुछ भी नहीं लगाएंगे यू यू को हम चेंज करेंगे अनुज के अकॉर्डिंग यहाँ पर यू कौन है अनुज है अनुज एक बॉय है तो हम यहाँ पर ही लगा देंगे इज एम आर चेंज होते हैं वॉज वर में तो वॉज हो जाएगा कमिंग का कमिंग और उसके बाद अनुज रिप्लाइड अब अनुज ने राघव की बात का जवाब दिया होगा और जब हम जवाब देंगे मैंने बताया था जब भी हम बात करेंगे कोई बताने वाली या फिर रिमार्क करने वाली या फिर आंसर करने वाली या रिप्लाई करने वाली उस कंडीशन में हम हमेशा दैट लगाते हैं तो हमने ऐसे ही किया क्योंकि अनुज ने बात का रिप्लाई किया था तो उसके बाद आएगा दैट दैट हमें यहाँ पर नहीं दिया वह हमें खुद से लगाना है उसके बाद ये जो आई कौन है आई खुद अनुज है अनुज भी एक लड़का है तो हमने यहाँ पर कर दिया ही उसके बाद है एम तो एम आर चेंज होते हैं वाज वर में तो यहाँ पर आ गया वॉज कमिंग फ्रॉम द मार्केट सेम आ जाएगा राघव वट डिड यू बाय फ्रॉम देअर अब क्योंकि फिर से ध्यान दो क्वेश्चन डब्ल्यू एस से शुरू हो रहा है और डब्ल्यू एस से शुरू होता है तो उस कंडीशन में हमें कुछ नहीं लगाना है राघव फर्दर द राघव ने फिर आगे पूछा वट ही हैड बॉट तो यहाँ पर वॉट का वॉट आ गया यहाँ पे ये यह जो वर्ट था हमने वॉट का वॉट लगा दिया अभी डू डज और डिड मैंने आपको बताया था अगर क्वेश्चन में आएंगे तो उसको हम बिल्कुल हटा देंगे अब जब हम डू डज को हटाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनती है सेकेंड फॉर्म अगर हम डिड को हटाएंगे तो हमारी ये वाली जो वर्ब है ये हैड प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तो यहाँ पर हमने कर दिया हैड बोट तो बाय की थर्ड फॉर्म होती है बोट और ये जो यू है ये कौन था अनुज तो यहाँ पर अनुज फिर से लड़का है तो यहाँ पर ही लगा देंगे तो वॉट ही हैड बोट फ्रॉम देयर ही रिप्लाइड अब फिर से अनुज राघव की बात का जवाब तो देगा ना तो उसने क्या किया ही रिप्लाइड अब रिप्लाइड के बाद आई बोट अ बुक ऑफ स्टोरीज इट मीनस रिप्लाई के केस में दैट लग गया आई आई खुद अनुज है तो ही बन गया बॉट वर्क की सेकेंड फॉर्म है और सेकेंड फॉर्म भी जब चेंज होती है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज होती है तो यहाँ पर हो गया हैड बॉट अ बुक ऑफ स्टोरीज तो आपको ये बस बीच वाला जो पोर्शन है डायरेक्ट स्पीच इसी को इनडायरेक्ट में बदलना होता है इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं मदर मदर अपने सन से कॉन्वर्सेशन कर रही है मदर ने बोला वाई डिड यू स्लैप मोहन ठीक है सन ने बोला बिकॉज इट डिस्टर्ब मी अब मदर ने बच्चे से पूछा है पूछा है तो आस्ट आ गया द मदर आस्ट हर सन अब डब्ल्यू एच फैमिली का क्वेश्चन था तो वाई का वाई आ गया बीच में हमने इफ़ नहीं लगाया वाई अब यू कौन है सन है लड़का है तो ही आ गया हैड स्लैप्ड मोहन अब यहाँ पे क्योंकि डिड था मैंने आपको बार बार यही बताया है अगर डिड आएगा तो डिड हट जाएगा और उसकी जगह हैड प्लस थर्ड फॉर्म लग जाएगी तो यहाँ पर हमने हैड लगा दिया और स्लैप स्लैप की थर्ड फॉर्म होती है स्लैप्ड ठीक है और यहाँ पर हो जाएगा स्लैप मोहन एट दिस सन ने क्या किया रिप्लाई करेगा वो मदर की बात का जवाब तो देगा ना तो जब जवाब देना है तो यहाँ पर कभी आपको दैट लगा हुआ मिल सकता है और कभी नहीं मिलेगा तो आपको याद रखना है कि रिप्लाइड के केस में अगर दैट दिया हुआ है तो ठीक है नहीं दिया हुआ है तो आपको दैट लगाना है अब यहाँ पर है बिकॉज़ ही डिस्टर्ब मी अब ये देखो आधा अधूरा सा सेंटेंस है बिकॉज ही डिस्टर्ब्ड मी और ये कहीं ना कहीं कनेक्शन रखता है ऊपर वाली सेंटेंस के साथ ठीक है तो आप यहाँ पर बोल सकते हो He slapped him because he had disturbed him. अब यहाँ pe ये जो disturbed है ये verb की second form है तो यहाँ पर हमने कर दिया had plus third form यानी ki had disturb कर दिया और उससे आगे वाला जो portion है वो कैसे आया यानी ki because से पहले वाला part कैसे आया वो हमने पहले वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग लिखा है जैसे आपने यहाँ पर चेंज किया था हमने उसको उसी के अकॉर्डिंग लिखा है नेक्स्ट है मदर फर्दर आस्क मदर ने फिर से पूछा इफ आर यू सॉरी फॉर वट यू डिड कि क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर आर से शुरू हो रहा है ठीक है तो यहाँ पर इफ लग जाएगा और फिर यू सन है तो ही आ जाएगा और इस हमारे चेंज हो गए हैं यहाँ पर वॉज में देन सॉरी सॉरी का सॉरी हो जाएगा फोर का फोर है वॉट का वॉट है यू जो है फिर से यहाँ पर सन के लिए है तो ही हो गया और डेड हमारी सेकेंड फॉर्म है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म यानी कि हैड डन हो गया लास्ट में बच्चे ने बोला येस आई एम तो येस यहाँ पे बच्चा पॉजिटिवली रिप्लाई कर रहा है कई बार आपके क्वेश्चन में आंसर में इस तरह से दिया होता है सिर्फ यस करके छोड़ देंगे या फिर आपको नो करके छोड़ देंगे फिर आपको खुद से वो करना होता है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है जब भी खाली यस नो आएगा तो आप एक चीज़ याद रख सकते हो द सन रिप्लाइड पॉजिटिवली ठीक है आप खाली इतना भी लिख सकते हो अगर खाली येस है तो अगर आगे भी कुछ बोला है येस के बाद इन्होंने आई एम भी बोला है तो आप लिख सकते हो द सन रिप्लाइड पॉजिटिवली सेइंग दैट फिर आपको आगे एक वर्ड और जोड़ना पड़ेगा सेइंग दैट दैट आगे जो भी दिया है आई एम तो आई यहाँ पर कौन है सन तो आई की जगह हो गया ही और एम की जगह पर हो जाएगा बॉस थर्ड हमारा है यहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं जिसमें हम किसी को या तो कोई कमांड करते हैं या उसको हम कोई ऑर्डर करते हैं कोई इंस्ट्रक्शन दी जाती है किसी से रिक्वेस्ट किया जाता है या फिर हम किसी को सजेशन या एडवाइस करते हैं तो इस तरह के सेंटेंस हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं और इसको देखते ही आपको पता लग जाएगा कि इम्पेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि उसमें हमारा सब्जेक्ट पार्ट नहीं दिया होता उसमें डायरेक्ट वर्ब से ही क्वेश्चन शुरू होता है एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो प्री हीट द अवन यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी जा रही है यूज़ ऑयल इन द पैन यूज़ प्री हीट ये सब वर्ब है हमारे यहाँ पर डोंट ईट ऑल द कुकीज़ स्टॉफ फीडिंग द डॉग फ्रॉम द टेबल कम आउट विद दस टू नाइट प्लीज ज्वाइन अस फॉर डिनर कंसल्ट द डॉक्टर सून वे आर योर गोल्ड नेकलेस विद दैट ड्रेस तो कहीं पर आप सभी सेंटेंसेज में देख सकते हो कहीं पर इंस्ट्रक्शन है कहीं पर रिक्वेस्ट किया जा रहा है कहीं पर इन्विटेशन है कहीं पर एडवाइस है तो इस तरीके से ये जो सेंटेंस कहलाएंगे ये सब इम्पेरेटिव सेंटेंस है और आगे हम देखेंगे कि कैसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं वेल well, अब हम देखते हैं कि कैसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं इन सेंटेंसेस की पहचान करना बहुत आसान है मैंने आपको बताया था क्योंकि इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ नहीं होता है ओपन द विंडो अटैक द एनिमी लीव दिस प्लेस एटवंस तो आप देखो इन सभी सेंटेंसेस के अंदर आपको सब्जेक्ट नहीं दिया है तो आपको आसानी से पता लग जाता है कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है इसमें या तो हम किसी को कोई सजेशन दे रहे होते हैं या हम किसी को कोई कमांड करते हैं किसी से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं किसी से ऑर्डर भी किसी को ऑर्डर भी दिया जा सकता है किसी को एडवाइस भी कर सकते हैं और इंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं जैसी भी हमारी सिचुएशन होगी उसी के अकॉर्डिंग हमें सेट टू को चेंज करना है अब यहाँ पर क्योंकि ऑर्डर दिया जा रहा था तो हमने क्या कर दिया सेट टू को ऑर्डर्ड में चेंज कर दिया कैप्टन अपनी आर्मी को अपनी सोल्जर्स को कमांड कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर कमांडेड कर दिया अगर कोई किसी से रिक्वेस्ट कर रहा होता हमारा प्लीज वाला सेंटेंस होता तो वहाँ पर सेट टू की जगह हो जाता रिक्वेस्टेड अगर हम किसी को कोई सलाह दे रहे होते तो सेट टू की जगह हो जाता एडवाइज्ड तो हमें उसी के अकॉर्डिंग सेट टू को चेंज करना है और बस बीच में एक छोटा सा चेंज और लेकर आना है इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हमें टू लगाना है ठीक है ये बहुत ही सिंपल है यहाँ पर हमें सेट टू को जैसी भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर कर टू लगाना है इसके अलावा अगर यहाँ पर स्टार्टिंग डू नॉट करके होती है डू नॉट डू दिस डू नॉट गो देर अगर इस तरह का हमारा सेंटेंस है तो हमें वहाँ पर इन्वर्टिड कॉमास को हटा कर नोट टू लगाना है बस ये बात हमें ध्यान रखनी है इसके अलावा हमारा कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं होता है या तो हम इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर टू लगाते हैं या फिर नोट टू लगाते हैं टू कब लगाएंगे जब हमारा यहाँ पर पॉजिटिव स्टेटमेंट रहेगा और जब डोंट से शुरू होगा उस कंडीशन में हम यहाँ पर बीच में लगाएंगे नॉट टू वेल well, अभी नाइन्थ और टेंथ क्लास के बच्चे ध्यान देंगे क्योंकि मैंने यहाँ पर तीनों ही सेंटेंसेस को यूज़ किया है और आपके सिलेबस में भी वो तीनों ही सेंटेंसेस हैं एसर्टिव सेंटेंस को कैसे चेंज करना है इंट्रोगेटिव को कैसे करना है और इम्पेरेटिव को कैसे करना है यही आपके सिलेबस में दिया हुआ है तो तीनों ही एग्जाम्पल यहाँ पर हैं मैनेजर और क्लर्क का कॉन्वर्जेशन चल रहा है मैनेजर ने क्लर्क से कुछ पूछा है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आया है तो आपको बड़ा आसानी से पता लग रहा है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हाउ मच टाइम विल यू टेक टू फिनिश द वर्क टूडे मैनेजर ने क्लर्क से पूछा हाउ मच टाइम विल यू टेक टू फिनिश द वर्क टुडे तो हम हमें डायलॉग कंप्लीट करना है इन द ऑफिस द मैनेजर एनक्वायर्ड ऑफ द क्लर्क हाउ अब आपको हाउ तक सोल्व करके दे दिया है उसके बाद से आपको करना है यानी कि मच टाइम इसके बाद से आपको चेंज करना है तो मच टाइम का तो मच टाइम आ जाएगा उसके बाद यहाँ पे ये यह यू कौन है ये क्लर्क है तो यू के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया ही यहाँ पर ही भी हो सकता है शी भी हो सकता है ठीक है क्लर्क पोजीशन पर कोई भी हो सकता है लेकिन हम जनरली यहाँ पर ही लेकर चलते हैं तो यहाँ पर ही हो जाएगा उसके बाद विल हमारा चेंज हो जाएगा वुड में जो कि हमने कर दिया है उसके बाद है टेक का टेक रहेगा क्योंकि याद रखना कुछ बच्चे ये भी गलती करते हैं कि कोई भी मॉडल्स जिसके साथ में वर्क की फर्स्ट फॉर्म आती है वो उसको भी चेंज कर देते हैं आपको उसको चेंज नहीं करना है और अगर टू के बाद में भी कोई वर्क की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसको भी चेंज नहीं करना यानी कि टू फिनिश है तो वो फिनिश ही रहेगा इसको भी सेकेंड फॉर्म में नहीं बदलना जबकि हमारा रूल ये है कि फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म में बदल जाती है लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है अगर टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो उसे नहीं बदलोगे और किसी मॉडल्स के साथ में अगर फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो उसे भी चेंज नहीं करोगे तो हम यहाँ पर आगे सेम हमारा सेंटेंस चलेगा बस लास्ट में टुडे था तो टुडे का हमने दैट डे कर दिया क्योंकि ये हमारा एडवर्ब का चेंज है अब क्लर्क ने क्या किया बात का जवाब दिया द क्लर्क रिस्पेक्टफुली रिप्लाइड और मैंने बताया था कि अगर रिप्लाइड आएगा तो आपको दैट भी लगाना है तो हमने दैट लगा दिया ये आई खुद क्लर्क अपने बारे में बात कर रहा है तो हमने उसके लिए ही लगा दिया नीड वर्क की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं उसको सेकेंड फॉर्म में तो नीडिड हो जाएगा टू मोर आवर्स फॉर इट नेक्स्ट है द मैनेजर ऑर्डर्ड हिम अब देखो लास्ट में वो ऑर्डर कर रहा है फिनिश द सेम एट द अर्ली पॉसिबल अब मैनेजर ने क्लर्क को बोला कि जल्दी से जल्दी इसको फिनिश करके दो तो यहाँ पे वो उसको ऑर्डर कर रहा है द मैनेजर ऑर्डर्ड हिम अब ऑर्डर वाला है इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो उसको जोड़ने के लिए हम क्या लगाएंगे टू लगाएंगे टू फिनिश द सेम एट द अर्लीस्ट पॉसिबल एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं टीचर और मोहित टीचर और स्टूडेंट का कॉन्वर्सेशन चल रहा है टीचर ने बोला व्हाट इज़ योर नेम मोहित आई एम मोहित टीचर आर यू अ न्यू स्टूडेंट इन दिस स्कूल मोहित यस आई एम अब देखो हमें कैसे इसका बिगनिंग दिया है इन द स्कूल द टीचर आज अ न्यू स्टूडेंट इतना पोर्शन हमें सॉल्व करके दे दिया आगे का काम हमें खुद करना है वॉट इज़ योर नेम तो वॉट क्योंकि डब्ल्यू फैमिली से शुरू हो रहा है क्वेश्चन तो वॉट का वॉट आ जाएगा बीच में हम कुछ नहीं लगाएंगे हिज नेम वॉज़ अब ये ऐसे चेंज हुआ है क्योंकि योर नेम जो है सब्जेक्ट हम उस पूरे को आगे लेकर आएंगे और जो टेंस पार्ट है वो पीछे जाएगा इसका मतलब यहाँ पर योर नेम तो योर नेम यहाँ पर किसका नाम मोहित का नाम तो मोहित लड़का है तो उसके केस में हो जाएगा हिज नेम और इज इज जो है वो इज एम आर वर में चेंज होता है तो वो वॉज में चेंज हो गया तो ये हो जाएगा हिज नेम फिर मोहित ने टीचर की बात का रिप्लाई किया आई एम मोहित इट मीन्स रिप्लाई करेंगे तो दैट लगाएंगे और आई कौन है मोहित तो ही हो जाएगा इज एम आर चेंज होते हैं वॉज वर में तो वर्ज हो गया और मोहित का मोहित द टीचर फर्दर आज हिम टीचर ने फिर से क्वेश्चन किया आगे पूछा उससे आर यू अ न्यू स्टूडेंट इन दिस स्कूल अब क्योंकि क्वेश्चन आर से शुरू हो रहा है तो हम वहाँ पर इफ़ लगा देंगे और यू मोहित है तो ही आ जाएगा इफ़ ही हो गया यहाँ पर और न्यू स्टूडेंट इसमें कोई चेंज नहीं है लेकिन यहाँ पर दिस हमारा एडवर्ब है तो दिस की जगह हो जाएगा दैट स्कूल और लास्ट में मोहित ने बोला येस आई एम तो लास्ट में मोहित ने रिप्लाइड कैसे किया उसने रिप्लाई किया पॉजिटिवली क्योंकि वो यहाँ पर यस yes बोल रहा है और लास्ट में फिर वो आई एम भी बोल रहा है तो ये हो जाएगा मोहित रिप्लाइड पॉजिटिवली सेइंग दैट आई एम का हो गया ही वाज लास्ट में आप देख सकते हो आई एम का हमने कर दिया है ही वाज तो इस तरह से आपका ये डायलॉग कंप्लीट हो जाता है वेल हेयर आई हैव गिवन यू सम मोर एग्जाम्पल्स इम्पेरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करना है उसके सभी एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर दिए हैं आप इन सभी को रीड कर सकते हो और इसे समझने की कोशिश कर सकते हो फर्स्ट सेंटेंस में कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर आप फर्स्ट सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर आस्क लिखा हुआ मिलेगा द टीचर सेट टू द स्टूडेंट्स लिसन टू मी अटेंटिवली तो कई बार टीचर जब बच्चों को किसी काम को करने के लिए, के लिए कहती है या हम किसी को कोई किसी काम को करने के लिए बोलते हैं उस कंडीशन में हम आस लगा सकते हैं यहां पर आस्क का मतलब कुछ पूछना नहीं है बल्कि उन्हें करने के लिए कहना है मैंने यहां पर फिर से डायलॉग फॉर्म में क्वेश्चन डाला हुआ है नाउ यू कैन अ लुक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑन योर ओन आप इसे एक बार खुद से देखो और समझने की कोशिश करो कि इसे कैसे सॉल्व किया गया है वेल well, अभी तक हम देख चुके हैं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट को और नेगेटिव स्टेटमेंट को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदल सकते हैं और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और ये तीनों ही सेंटेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाइन्थ और टेंथ क्लास के बच्चों के लिए क्योंकि आपका क्वेश्चन इन्हीं पर बेस्ड होकर आता है इसके बाद है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमारे हाइट एंड इमोशन को दिखाता है जब हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं या फिर हम बहुत सरप्राइज होते हैं या हमें बहुत तेज गुस्सा आता है हमारे एंगर को जॉय को हैप्पीनेस को हमारी सैडनेस को एक्सप्रेस करने के लिए जो सेंटेंस हमारे मुंह से निकलते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं और इनमें आप देखोगे कि एक एक्सक्लेमेशन मार्क होता है उससे भी हमें पहचान हो जाती है कि ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है इसकी पहचान के लिए कुछ वर्ड्स हैं जैसे एलास हुर्र ब्रेवो वर्ट हाउ इनसे भी हमें पता लगता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है इन सभी के सभी एग्जांपल्स में आप देख सकते हो हुर्रा क्रिकेट टीम हैज़ वन सीरीज़ अ लास्ट ये दुख को दिखाता है ही लॉस्ट द रेस ब्रेवो किसी को शाबाशी देने के लिए होता है यू हैव डन अ ग्रेट जॉब वॉट अ टैलेंटेड गर्ल शी इज जब हम बहुत सरप्राइज हैं उस चीज़ को दिखाने के लिए हम यहाँ वर्ड से अपने सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं वर आई अ सुपर हीरो दे हैव गॉट इट तो इस तरह से ये सारे के सारे हमारे हाइट एंड इमोशंस को दिखाने के लिए ही यूज़ किए जाते हैं और इसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं यहाँ पर लास्ट सेंटेंस है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में हम किसी के लिए कोई विश करते हैं हमारी कोई डिजायर होती है या फिर हम किसी के लिए प्रेयर करते हैं तो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं आपने देखा होगा मे यू लिव लॉन्ग विश यू ऑल द बेस्ट और उनके लास्ट में एक एक्सक्लेमेशन मार्क होता है तो बेसिकली इसकी पहचान ऐसे होती है जिसमें हम किसी के लिए कोई विश या प्रेयर कर रहे हैं तो ये हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस बन जाते हैं यहाँ पर ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं होंगे सिर्फ ये एक्सक्लेमेशन मार्क देख आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है सिर्फ हमें सेंटेंस को ध्यान रखना है और यहाँ पर हम किसी के लिए विश करते हैं या फिर हम प्रेयर करते हैं तो उससे हमें पता लग जाता है अब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को और ऑपरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम वो देखेंगे तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को देख लेते हैं उस केस में हमें सेड या सेड टू को चेंज करना है एक्सक्लेम्ड के साथ यानी कि एक्सक्लेम के साथ में हम कुछ भी लगा सकते हैं वो डिपेंड करता है कि हमारा क्या सिचुएशन बन रहा है अगर हम बात करते हैं हुर्रा की यानी हम बहुत खुश हैं तो हम बोलेंगे एक्सक्लेम्ब विद जॉय अगर हम एलास की बात कर रहे हैं बहुत दुखी हैं तो बोलेंगे एक्सक्लेम्ड विद सोरो अगर हम बहुत हैरान हैं तो हम बोलेंगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज तो इस तरह से हम सैड या सेट टू को एक्सक्लेम्ड और उसके साथ में जो भी इमोशन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं इसके बाद जब हमारी इनडायरेक्ट स्पीच शुरू होगी उसमें जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर हमें दैट लगाना है और लास्ट में हमें फुल स्टॉप लगाना है यानी कि जो एक्सक्लेमेशन मार्क हमारा ऐसे दिया हुआ था इसको हटाकर हमें उसे फुल स्टॉप में कन्वर्ट करना है और इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर वहाँ दैट लगाना है इस बात का ध्यान रखेंगे ऑपरेटिव सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए क्या करेंगे सेट टू या सेड को विस्ट कर्स्ट या प्रेड इसमें हम चेंज कर देंगे वो हमें सेंटेंस देख के पता लग जाएगा कि हमें वेस्ट लिखना है कर्स्ट लिखना है या प्रेड लिखना है और उसके बाद हम दैट का यूज़ करेंगे इन्वर्टेड कॉमास को हटा कर गुड नाइट और गुड बाय यहाँ पर हम किसी से अलग हो रहे होते हैं तो उस केस में हम सैड की जगह पर बेड लगाएंगे वहाँ पर बेड वर्ड का यूज़ होगा और इसी तरह से जब हम गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग किसी को विश करते हैं तो वहाँ पर हम सैड की जगह वेस्ट लगाएंगे वेल well, मैंने यहाँ पर मिक्स एक्सरसाइज दी है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं रोहन सेड हुर्रा वी वन द मैच रोहन एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच तो मैंने यहाँ पर सेड को चेंज किया है एक्सक्लेम्ड विद जॉय जॉय मैंने क्यों लगाया क्योंकि यहाँ पर हुर्रा आया था और हुर्रा जो है वो एक जॉय का इमोशन है उस खुशी को दिखा रहा है यहाँ पर इसलिए हमने यहाँ पर जॉय लगा दिया एक्सक्लेम्ड विद जॉय उसके बाद हमने इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा कर देट लगाया और क्योंकि उनकी पूरी टीम मैच जीत गई है इसके लिए हमने यहाँ पर दे लगा दिया और वन जो है वो वर्क की सेकेंड फॉर्म है और उसको हमने चेंज कर दिया हैड प्लस थर्ड फॉर्म में इसी तरह से आप नेक्स्ट एग्जाम्पल को देख सकते हो यहाँ पर एक्सक्लेम विद सोरो है क्योंकि यहाँ एलास आया है यहाँ पर ब्रेवो लगा था तो हो गया एक्सक्लेम विद प्रेज़ तारीफ़ की जा रही थी यहाँ पर अब नेक्स्ट है हमारे ऑपरेटिव सेंटेंस जिसमें हम किसी के लिए कोई विश करते हैं अब यहाँ पर विश की गई है मे यू लिव लॉन्ग तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं ही वेस्ट दैट आई माइट लिव लॉन्ग इसके अलावा अगर हम किसी को कर्स कर रहे हैं किसी को हम बुरा बोल रहे हैं तो वहाँ पर हम लगाएंगे कर्स्ट या हम किसी के लिए प्रेयर कर रहे हैं मे गॉड ब्लेस यू विद चिल्ड्रन तो हम वहाँ पर लगाएंगे प्रेड वेल well, अब आपने देखा होगा कि डायरेक्ट स्पीच में कुछ सेंटेंसेस ऐसे आते हैं जो किसी हिस्टोरिकल फैक्ट की बात करेंगे या यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बताएंगे या किसी भी हैबिचुअल फैक्ट को बताते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमें टेंस पार्ट को चेंज नहीं करना है यानी कि जब हम उसको इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे होंगे तो उसका टेंस चेंज नहीं होगा एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं ही सैड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी ही सैड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी अब मैंने इसका वॉज नहीं किया यहाँ पर इसका मतलब मैंने टेंस को चेंज नहीं किया मैंने सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास को हटाया है और वहाँ पर दैट लगाया है ही सैट द सन राइज इन द ईस्ट He said that the sun rises in the east. अब rises जो है फर्स्ट फॉर्म है मैंने second फॉर्म में चेंज नहीं किया है उसी तरह से राकेश said आई एम एन अर्ली राइजर अब यहाँ पर हैबिट को दिखाया जा रहा है तो यहाँ पर हमने क्या किया राकेश सेट दैट आई आई नहीं यहाँ पर राकेश तो ही हो गया एम एम की जगह इज कर दिया लेकिन मैंने वॉज नहीं किया इसको पास्ट में कन्वर्ट नहीं किया है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है हम प्रेजेंट में ही उसको लिख सकते हैं तो ही इज एन अर्ली राइजर शी सेड गॉड इज ऑमनी प्रेसेंट तो शी सेड दैट गॉड इज ऑमनी प्रेसेंट और यहाँ पर लास्ट में आप देखो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है द टीचर सेड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर् स्टार्टिड इन नाइनटीन फोटीन द टीचर सेट दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर् स्टार्टिड इन नाइनटीन फोटीन मैंने स्टार्टिड की जगह हैड स्टार्टिड नहीं लिखा इसका मतलब क्या है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं तो उस केस में आपको टेंस पार्ट चेंज नहीं करना है आप प्रोनाउंस को चेंज कर सकते हो आप बीच में देट लगा सकते हो अगर सेट टू लिखा आता है तो आप उसको टोल्ड में भी चेंज कर सकते हो इसके अलावा आपको कुछ टेंस वाला जो पार्ट रहेगा उसमें चेंज नहीं करना है इस तरह के सेंटेंस हमें बता रहे हैं कि कुछ बातें जो सर्वमान्य सत्य है और या फिर कुछ बातें जो एक हैबिचुअल फैक्ट बन चुकी हैं या फिर कुछ इतिहास के ऐसे फैक्ट जिन्हें बदला नहीं जा सकता तो ऐसी कंडीशन में हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे लास्ट में यहाँ पर एक एक दो और बातें हैं जो आपको थोड़ा ध्यान रखनी है हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आते हैं लेकिन फिर भी हमें इनका पता होना चाहिए अगर आपका रिपोर्टिंग वर्क प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में आता है यानी कि अगर यहाँ पर सेड या सेट टू ना होकर सेज लिखा हो या फिर फ्यूचर में विल से लिखा हो तो आप उसे कैसे चेंज करोगे अगर यहाँ पर सेज टू लिखा होगा तो टेल्स करना है अपने आंसर में अगर खाली सेज लिखा होगा तो सेज ही रहेगा जैसा यहाँ पर दिया है सेज का यहाँ पर सेज ही रखा है अगर से टू होगा तो टेल हो जाएगा विल से होगा तो विल से रहेगा और विल से टू होगा तो विल टेल हो जाएगा यानी कि जहाँ पर भी से टू से टू या सेज टू आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम उसको टेल्स में कन्वर्ट करने अगर सेज टू है तो टेल्स है से टू है तो टेल है और विल से टू है तो विल टेल है तो एक तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हम उसको नीचे कैसे कन्वर्ट करेंगे इन्वर्टेड कॉमर्स हट कर यहाँ पर दैट लग जाएगा प्रोनाउंस भी चेंज हो जाएंगे जैसे होते हैं लेकिन आगे वाला जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा आप उसे पास्ट में कन्वर्ट नहीं करोगे वो प्रेजेंट का प्रेजेंट ही रहेगा ये दो एग्जाम्पल है यहाँ पर ही सेज़ आई एम गोइंग टू स्कूल तो ये हो जाएगा ही सेज़ दैट ही इज़ गोइंग टू स्कूल तो मैंने एम का इज़ किया है मैंने एम का वॉज नहीं किया है इसे प्रेजेंट में ही रखा है उसी तरह से मोहन विल से यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय मोहन विल से दैट आई एम एन इंटेलिजेंट बॉय तो मैंने यहाँ पर यू प्रोनाउन तो चेंज किया लेकिन मैंने आर का एम कर दिया क्योंकि आई के साथ हम एन एम लगाते हैं तो ये हमारा एक तरह से टेंस प्रेजेंट ही रहा हम उसको पास्ट में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं वेल well, मैं उम्मीद करती हूँ कि डायरेक्ट इन डायरेक्ट का कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिखकर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं आई होप कि आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन गेट ऑफ माई अपकमिंग ग्रामर वीडियोज़ थैंक यू वेरी मच गुड बाय